हेलो दोस्तों, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जॉब भंडार को और साथ ही दबाए इस बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम आपके लिए एक बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी बम्पर भर्ती 2020-21 के बारे में। यहाँ पर पोस्ट है स्टाफ नर्स, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट एंड अदर्स, जिनके लिए ऑल इंडिया से मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कम से कम 12वीं पास या डिग्री या फिर डिप्लोमा होना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप भी इन पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो और अप्लाई करना चाहते हो, तो अप्लाई करने से पहले आपको जानना होगा इन पोस्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फ़ीस, सैलरी पैकेज, और जानना होगा आप इस भर्ती के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। जो कि ये कंप्लीट डिटेल्स आगे इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। दोस्तों, अब मैं आपको यूपीएससी बम्पर भर्ती 2020 की कंप्लीट डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। ऑर्गेनाइजेशन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको यूपीएससी भी कहा जाता है। पोस्ट है पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट ग्रेड थर्ड, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर ट्यूटर, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर, जिनके लिए वेरियस वैकेंसीज निकली है और इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज प्रोवाइड करा रखी है, जो कि पोस्ट वाइज इस प्रकार है। पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट ग्रेड थर्ड पोस्ट के लिए 45 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर सीनियर ट्यूटर के लिए 40 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। मेडिकल ऑफिसर के लिए 35 साल, स्टाफ नर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 30 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। अप्लाई करने के लिए एजुकेशन में पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट ग्रेड थर्ड पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना ज़रूरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर ट्यूटर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना ज़रूरी है। मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS डिग्री कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए 12वीं पास, डिग्री या डिप्लोमा, वो भी जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी के अंतर्गत, साथ ही साथ इंडियन या स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। बात आती है असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट के लिए। इस पोस्ट पर बैचलर डिग्री कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर SC ST PH और वोमेन कैटेगरी कैंडिडेट को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना है, बट ऑल अदर कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पर ₹25 एप्लीकेशन फ़ी के रूप में जमा कराना है, जो कि ऑनलाइन मोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा जमा किए जा सकते हैं। अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो आपका सिलेक्शन रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर होने वाला है। सैलरी आपको पोस्ट वाइज मिलने वाली है, जो कि इस प्रकार है। पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट ग्रेड थर्ड पोस्ट के लिए लेवल 11 के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर ट्यूटर पोस्ट के लिए लेवल 10 के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है। मेडिकल ऑफिसर के लिए भी लेवल 10 के हिसाब से, स्टाफ नर्स और असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए लेवल 7 के हिसाब से आपको सैलरी मिलने वाली है। जॉब लोकेशन है ऑल इंडिया। जी हाँ दोस्तों, ऑल इंडिया से मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट है 3 दिसंबर 2020। अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है www.upscionline.nic.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, ये थी इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी। अगर अब भी आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप इस भर्ती की नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड कर सकते हो। नोटिफिकेशन PDF का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। वहाँ से आप नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करके इस भर्ती की कंप्लीट जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हो और फिर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने जा रहा हूँ। वहाँ से आप अप्लाई ऑनलाइन का लिंक ओपन करके इस भर्ती के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपके मन में इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, तो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी बड़ी भर्ती की अपडेट लेकर आने वाले हैं डेली बेसिस पर।